दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फायरमैन और ड्राइवर की वैकेंसीज रखी गई है, इसमें और भी वैकेंसीज है। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ न्यू डिलक्स बिल्डिंग सेक्टर 17 चंडीगढ़ से आ रहा है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, एक्सेसमेंट का कॉलम यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे जो सबसे पहले जो पोस्ट है फायरमैन की, टोटल 81 पोस्ट हैं, जिसमें कि 21 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रखे गए हैं। जनरल के लिए 11, एससी के लिए 4, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट रखे गए हैं। ड्राइवर की पोस्ट है 4 पोस्ट भूतपूर्व सैनिक ओबीसी के लिए रखे गए हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए। और भी यहाँ पर पोस्ट रखे गए दोस्तों, सब इंस्पेक्टर ENF के लिए 1 पोस्ट रखा गया है, जिसका पे बैंड का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर की 2 पोस्ट रखी गई हैं। उसके अलावा दोस्तों जो पोस्ट रखे गए हैं, कलर की पोस्ट रखे गए हैं ग्रुप सी की, टोटल 9 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें जनरल के लिए 2, एससी के लिए 3 और 4 ओबीसी के लिए यहाँ पे पोस्ट रखे गए हैं। एक और पोस्ट रखी गई दोस्तों जूनियर ड्राफ्ट्समैन की, 1 पोस्ट रखी गई है। ये जो वैकेंसी जा रही है दोस्तों, जैसे बताया चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ की तरफ से आ रही है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। पहले इसकी डेट दोस्तों, लास्ट डेट जो है 3/5 यानी कि 3 मई 2021 रखी गई थी, लेकिन अभी इस डेट को बढ़ा दिया गया है। और अभी जो डेट चेंजमेंट की गई है, 12 एप्लीकेशन बनने शुरू हो गए हैं। जिन्होंने पहले भर दिया है उनको नहीं बनना है, लेकिन जिन्होंने नहीं भरा है 12 जुलाई 2021 से आप लोग भर सकते हैं। और लास्ट डेट रखी गई है 30 जुलाई 2021। एग्ज़ाम डेट के बारे में दोस्तों बाद में बताया जाएगा, ऐसे इस नोटिफिकेशन में कहा गया है। तो दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का जो एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, www.mcchandigarh.gov.in। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं दोस्तों, हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, इसका डिटेल्स रखा गया है। जैसे आप इसको स्क्रॉल करके नीचे करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा रिक्रूटमेंट 2020। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन का डिटेल्स खुल जाएगा आपके पास, और पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करते ही पूरा डिटेल्स खुल जाएगा। तो जैसे दोस्तों आप फर्स्ट वाले को क्लिक करते हैं, जिसमें कि फ्रेश रिक्रूटमेंट ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ लिखा हुआ है, इसको क्लिक करके ही आपके पास एक नोटिफिकेशन खुल जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। इसमें जो लिखा है पेमेंट के बारे में लिखा है, जो पे स्केल बनने वाला है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे आप दूसरे पे जाते हैं दोस्तों, दूसरा जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है, इसको जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में लिखा गया है, और इसके क्लिक करके आप लोग इसके डिटेल्स के बारे में देख सकते हैं। जो कि मैंने आपको दिखाया वही आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों जैसे आप तीसरे नंबर पे जाते हैं, हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, उसका भी पूरा PDF यहाँ पे आ जाएगा। हाउ टू अप्लाई, पूरा प्रोसीजर इन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो डेट है दोस्तों ये पुरानी है, ये अब चेंज हो गई है। और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान जो भी हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं किस तरह से आप लोगों को अप्लाई करना है, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, उसका डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट जैसे आप इसको क्लिक करते हैं दोस्तों, उसका भी एलिजिबिलिटी क्या क्या क्राइटेरिया है उसका डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। इसके लिए क्या क्या शर्तें रखी गई है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, उसका भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि फायरमैन की बात करें दोस्तों, हम लोग फायरमैन का यहाँ पर दिया हुआ है, पेमेंट किया है 7 CPC के अनुसार, 81 पोस्ट हैं भूतपूर्व सैनिकों, कितनी पोस्ट हैं, 10+2 पास होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट और उससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। टेस्ट होगा, उसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज वगैरह क्या क्या पूछा जाएगा, उसका पूरा डिटेल्स है। इसी तरह से आप पूरा देख सकते हैं। लास्ट जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, उसको खोलते हैं, उसमें भी सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, सिलेक्शन क्रिटेरिया क्या क्या रखा गया है उसका डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, कि कितनी आपको फ़ीस पड़ने वाली है। एक्सेसमैन को 500 रुपये फीस दीजिए है। तो इसी तरह से आप लोग पूरी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं इसी बेस पे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।